लोकसभा चुनाव के 4 जून को जारी नतीजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सियासी गलियारों में हलचल देखी जा रही है कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे। इस बीच अब राहुल गांधी की ओर से एक सीट खाली करने पर प्रियंका गांधी की लोकसभा उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। रायबरेली से ज्यादा वोटों से जीतने वाले राहुल दोनों जगह पारिवारिक रिश्ता बता चुके हैं। ऐसे में पार्टी प्रियंका के जरिए कम वोट से जीती वायनाड पर पारिवारिक रिश्ता बने रहने का दाव खेल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बेटा सौंपने जैसे बयान के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। सोनिया गांधी ने सीट को परिवार की 121 साल की परंपरा भी बताया। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रह सकते हैं। आखिर नियम क्या कहता है इसको लेकर? नियम के अनुसार जब कोई उम्मीदवार चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल करता है तो उसे परिणाम आने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी पड़ती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगले 3 दिन में से किसी भी समय वायनाड सीट छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं। वायनाड सीट को लेकर फैसला भले बाद में हो लेकिन प्रियंका गांधी फ्रंट रनर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली सीट से मैदान में थे। चुनाव में दोनों ही जगह पर राहुल गांधी की जीत हुई। वायनाड की तुलना में राहुल गांधी ने रायबरेली में बड़े अंतर से जीत हासिल की। राहुल गांधी के लिए रायबरेली की जीत इसलिए भी और बड़ी मानी जाती है क्योंकि पिछली बार के चुनाव में इस सीट से सटी अमेठी सीट पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव से पहले तक रायबरेली की सीट से सोनिया गांधी सांसद थी। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी लगातार ये सीट जीतती रही और संसद पहुंचती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गई। ऐसे में चुनाव में पार्टी ने यहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया और उन्हें कामयाबी मिली। क्या प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को एक लंबा माइलेज मिलेगा? कांग्रेस के इस डिसीजन पर अगर ऐसा होता है तो आपका इस डिसीजन पे क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।